नमस्कार, जनरल बात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के कई हिस्सों में अब शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर। अगले 5 दिनों में 12 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मुंबई में भारी बारिश के बाद तैनात की गई NDRF की 5 टीमें। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक बारिश के जारी रहने का जताया अनुमान। गुजरात के निचले इलाकों में घरों में भरा बारिश का पानी, अपना सामान लेकर दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे लोग। महाराष्ट्र में मेघनाथ सिंधे ने मुख्य सचिव के साथ की बैठक, बारिश की स्थिति को लेकर अधिकारियों को दिए निगरानी के निर्देश। कृषि ऋण समितियों को पेट्रो उत्पाद बेचने और स्कूल चलाने की मिलेगी छूट। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेज करने के लिए केंद्र ने मांगे राज्यों के सुझाव। केंद्र सरकार ने जेमर और बूस्टर के निजी इस्तेमाल पर लगाई रोक। दूर संचार विभाग और संचार मंत्रालय ने खरीद बिक्री को बताया गैर कानूनी। अब उपभोक्ताओं से खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं वसूल सकेंगे होटल। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रेस्तरां और CCPA पर लगाई पाबंदी। 5वें दिन 19,000 श्रद्धालु पहुंचे बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा। यात्रियों की सहायता के लिए श्राइन बोर्ड ने शुरू की फीडबैक सेवा। नेपाल बॉर्डर और गुड़गांव से गिरफ्तार चीनी नागरिकों का खुलासा, सेल फोन स्क्रैप की आड़ में चीन पहुंचा लाखों भारतीयों का डाटा। पत्रकार रोहित रंजन को गिरफ्तार करने गाजियाबाद पहुंची छत्तीसगढ़ की पुलिस। जी न्यूज के एंकर पर राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने का आरोप। रोहित ने ट्वीट कर सीएम योगी और गाजियाबाद पुलिस से मांगी मदद। मौके पर पहुंची इंदिरापुरम पुलिस, नियमानुसार कार्रवाई का दिया भरोसा। नफरत फैलाने वाले भाषण विरोधी कानून लाने की तैयारी में सरकार, सोशल मीडिया समेत अन्य मंचों के भड़काऊ कंटेंट पर कसेगा शिकंजा। अजमेर दरगाह के खादिम ने दी नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी, राजस्थान पुलिस ने वीडियो को आधार बनाकर दर्ज किया केस। नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर बिजनेसमैन को धमकी, महाराष्ट्र की अकोला पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। शिंदे सरकार के विश्वास मत जीतने के बाद अब शिवसेना में द्वंद, उद्धव खेमे के विधायकों को शिंदे गुट के मुख्य सचेतक ने दिया नोटिस। मंत्रिमंडल पर जल्द फैसला करेंगे महाराष्ट्र सीएम मेघनाथ शिंदे, बोले फडणवीस के साथ बैठक में विभागों के बंटवारे पर होगी बात। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब स्टार्टअप को मजबूती देने में अव्वल, गुजरात, कर्नाटक और मेघालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों में शामिल। पटना के विधायक ने दी बेटी को जान से मारने के लिए सुपारी, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सुरेंद्र शर्मा को किया गिरफ्तार। शिकागो में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान छत से चलाई गोलियां, हाईलैंड पार्क में 6 लोगों की गई जान, 57 से ज्यादा लोग घायल। वैज्ञानिकों के शोध में खुलासा, सोते समय फैलती है कैंसर की कोशिकाएं, खून के जरिए आसानी से दूसरे अंगों में पहुंच जाती हैं कोशिकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत के बाद गिरफ्तारी पर जताई हैरानी का, व्यक्ति पर अगर कोई और मामला नहीं तो जल्द करें रिहा। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर GST से देश में बढ़ेगी महंगाई, कैट का अनुमान, खाद्यान्न कारोबारियों को उठाना होगा नुकसान। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकिंग क्षेत्र में ज्यादा सुधार की बताई जरूरत, बोले खामियों को ठीक नहीं किया गया तो रुकेगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार। पंजाब और ओडिशा CBSE बोर्ड के 10वीं के परिणाम जल्द होंगे जारी, परीक्षा संगम पोर्टल पर भी देखा जा सकेगा आसानी से रिजल्ट। मंगलवार से भी सेंसेक्स में 200 से ज्यादा अंकों का आया उछाल, निफ्टी में भी 15,909 के लेवल पर शुरू किया कारोबार। ओवैसी ने महंगाई और बेरोजगारी के लिए पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले ताजमहल नहीं बनता तो 40 रुपए में मिलता पेट्रोल डीजल। देश भर में फैले वायरस के स्पाइक, प्रोटीन में नौ बदलाव वाला वेरिएंट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली समेत कई राज्यों में देखने को मिला नया रूप। बीते 24 घंटे के दौरान सामने आए 13,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित, 19 लोगों की गई जान, लगभग 5% हुई दैनिक संक्रमण दर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के तबादलों पर उठाए सवाल, अपर मुख्य सचिव से मांगा स्पष्टीकरण, कार्रवाई के दिए निर्देश। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकती है दिल्ली सरकार की ACB, हाईकोर्ट ने कहा शिकायत मिलने पर जांच करना एजेंसी का कर्तव्य। वसुंधरा राजे ने कन्हैया लाल के परिजनों से की मुलाकात, बोली जब सीएम योगी अपराध खत्म कर सकते हैं तो गहलोत क्यों नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध प्रदर्शनों को मिला कांग्रेस का समर्थन, जयराम रमेश बोले अग्निपथ भर्ती योजना देश के नौजवानों के खिलाफ। द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा और झाजमो के नेताओं से की मुलाकात, हेमंत सोरेन से की राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पक्ष में मतदान करने की अपील। कपिल मिश्रा ने ईमेल पर जान से मारने की धमकी मिलने का किया दावा, बोले हम डरने वाले नहीं, जिहादियों से पीड़ितों की करते रहेंगे मदद। अब काकोरी ब्रांड के नाम से जाना जाएगा लखनऊ का आम, सीएम योगी बोले 100 करोड़ से शुरू की जाएगी मेगा क्लस्टर योजना। उत्तराखंड में मानसून अवधि में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियान होगा तेज। ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को बताया अनैतिक, बोली जल्द ही गिर जाएगी अलोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई सरकार। महाराष्ट्र में सत्ता बदलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने किया दावा, बोले अब राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों पर पार्टी की नजर। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी के यहाँ छापेमारी पर किया पलटवार, बोले महाराष्ट्र के बाद अब अन्य राज्यों की ओर रुख करेंगी एजेंसियां।
राजस्थान सरकार ने 33 IAS अधिकारियों का किया तबादला, 36 IFS और 16 IPS अधिकारियों के बदले विभाग। राहुल गांधी ने की कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग, बोले पुलिस भर्ती घोटाले की जांच के लिए कार्रवाई करे केंद्र सरकार। विवादित सेन काकू द्वीप के निकट देखे गए चीन और रूस के युद्ध पोत, जापान ने विरोध जताते हुए दोनों देशों से मांगा स्पष्टीकरण। ओम प्रकाश राजभर ने सपा का साथ छोड़ने की खबरों को बताया हुआ, बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश के साथ लड़ेंगे चुनाव। ACB ने कर्नाटक के IAS अधिकारी मंजूनाथ को किया गिरफ्तार, बेंगलुरु शहरी जिले में उपायुक्त रहने के दौरान भ्रष्टाचार के लगे हैं आरोप। पंजाब में पहली कैबिनेट विस्तार के बाद CM भगवंत मान का बयान, बोले भविष्य में विधायकों को मिलेंगी और बड़ी जिम्मेदारियां। पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को सीतापुर की अदालत में किया पेश, अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक को न्यायिक हिरासत में भेजा। कमेंट्री करने के दौरान वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली को कहा क्षमिया, जेम्स एंडरसन को बुजुर्ग कहने के बाद सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल। भारत इंग्लैंड टेस्ट में रूट वेरस्टो की साझेदारी ने बिगाड़ा भारत का खेल, 378 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर बना लिए 259 रन। पांचवें दिन के खेल में इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए 119 रन, भारत को मैच जीतने के लिए जल्द चटकाने होंगे ब्रिटिश टीम के 7 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हासिल किए सबसे ज्यादा विकेट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात, नमस्कार।